अर्ली 1800s में एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकॉले। उनको अंग्रेजों ने भेजा था कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो वैचारिक गुलाम बनाओ। ये दिखाओ उनको कि तुम्हारे वेद खराब है, तुम्हारी नॉलेज खराब है, तुम कचरा हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था, तुम जंगली हो। और हम बताएंगे, हम गोरे लोग बताएंगे कि क्या सही है, क्योंकि हमने तो रेनेसा किया है, हमारे पास तो न्यूटन है। तो लॉर्ड मैकॉले यहाँ आए और उन्होंने भारत की एजुकेशन पद्धति बदली और भारत की सोच बदली। और क्या सोच डाल दी कि and I quote him, a single shelf in the in a village library in England is worth more than the entire Vedic knowledge of India। तो भारत की 6000 साल की जो ऐतिहासिक धरोहर है ज्ञान की, तक्षशिला नालंदा इंक्लूडेड, इज लेस देन एक सिंगल शेल्फ एक गांव की लाइब्रेरी में इंग्लैंड। ये उस व्यक्ति की सोच थी। वो समझ लीजिए एक तरह का हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था उस समय। और मैकॉलिज्म से ही निकल करके आज भी